की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन। अंजू चौधरी जिंदाबाद, अंजू चौधरी जिंदाबाद, सूरज चौधरी जिंदाबाद, मार लगेगी हाथी पे, मार लगेगी हाथी पे, थोड़ा साइड हो, मार लगेगी हाथी पे। प्रचार के अंतिम दिन पार्टियों ने दिखाया अपना दम। इसी दौरे में लोनी नगर पालिका बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ने अपनी पार्टी से चेयरमैन पद की उम्मीदवार अंजू चौधरी के समर्थन में बहेटा पहुंचकर जनता से वोट मांगे और विशाल रैली का शुभारंभ किया। रैली में हजारों की संख्या में जनता मौजूद रही। रैली में बाइक, कार और जीप के साथ हाथों में झंडे लेकर कार्यकर्ता समस्त वार्डों में घूमे। लोनी नगर पालिका में बसपा पहली बार अपने सिंबल के साथ चेयरमैन पद एवं 55 वार्ड एवं अपने प्रत्याशी को पार्टी निशान से चुनाव लड़ा रही है। इसके लिए पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ अपने प्रत्याशी को चेयरमैन की जीत दिलाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी भी अंजू की रैली में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम सीटें अच्छे मतों से निकाल ले जाएंगे। हम लोग जब ये देखा कि झूठों की सरकार है और हमारे लोग गुमराह कर सकते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उसी दिन ऐलान कर दिया था, जो ईवीएम से सरकार बनाई इन लोगों ने झूठ बोलकर और ईवीएम के धोखे धड़की से, और ईवीएम की पोल आपने मेरठ में खुल भी गई है। आज जनता जनार्दन इससे विश्वास उठ चुका है। देश के अंदर धर्म के नाम से, जाति के नाम से और झूठ बोल के सरकार बनाना चाहते हैं ईवीएम के माध्यम से। इसलिए उनके माध्यम से हम लोगों को सिंबल, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला किया कि इस बार चुनाव हम सिंबल पर लाएंगे। एसपी वीएसपी दिख रहा, नीला परचम लहरा रहा पूरे देश प्रदेश के अंदर। चौधरी बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट है, एक तरफा क्योंकि पहले जो झूठों की सरकार पे जिनके आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी, झूठ बोल के सरकार बनाई, और झूठ उनके जैसे आका होते वैसे ही उनके नीचे के लोग होते हैं, इसलिए अब उनका झांसा चलने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, और आप जैसे कि भीड़ देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाई हैं, बड़े भाई सूरज चौधरी, हमारे साथ सारी जनता दिल से जुड़ी हुई है, सर्व समाज। और आप मतलब मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ इन भाइयों का प्यार, इनका एहसान शायद मैं कभी ज़िंदगी में ना उतार पाऊँ। इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, और मैं यही कहना चाहूँगा सूरज चौधरी जी के माध्यम से, अंजू चौधरी जी हमारी जो चेयरमैन प्रत्याशी जी हैं, वाइफ ऑफ सूरज चौधरी, उनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना प्यार, इतना सम्मान जो आप लोगों ने हमें दिया है, मैं हाथ जोड़कर सबसे कहना चाहूँगा कि वो सम्मान 5 साल तक आपको ब्याज के सहित वापस करूँगा मेरे भाइयों, ब्याज के सहित। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हाथों में हाथी निशान के नीले रंग के झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। यही नहीं, हजारों की संख्या में इलाके के लोग बाइक, गाड़ी एवं जीप कार के साथ अंजू चौधरी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। गाड़ी में खड़े ये सूरज चौधरी हैं, इनके साथ ही इनकी पत्नी प्रत्याशी अंजू चौधरी, साथ में पश्चिमी सबसुद्दीन राइन उत्तर प्रदेश प्रभारी, इनके साथ हजारों की संख्या में भीड़ बसपा के समर्थन में चल रही है। अब से नहीं, 20 साल से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें कभी भी दोगलापन नहीं होता, सब गरीबों के साथ चलती है, और गुंडागर्दी को तो बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर दी। बसपा से पहले से ही जुड़े हुए हैं, और हम अपने निगम से जो है चेयरमैन साहब को हर हालत से जिता के मानने के, 100% जिता के मानने के बिल्कुल। कि बहुजन समाज पार्टी ने पहली दफे सिंबल के चुनाव पर पार्षदों का, मेयर का, चेयरमैन के टिकट तो देने का काम किया है, और ये बहुजन समाज पार्टी की माननीय अध्यक्ष बहन जी का आशीर्वाद है, और हम जैसे कार्यकर्ताओं का ये तन मन धन से पूर्ण विश्वास है। और हमारी ये नाक का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी के मान और सम्मान का सवाल है, कि हमारी एक एक सीट यहाँ इस लोनी नगर पालिका में 55 के 55 वार्डों के साथ चेयरमैन की सीट को कम से कम 50,000 से जीतने का काम करेंगे। प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने रैली के साथ अपना दम दिखाया, लेकिन बसपा के साथ बड़े जनाधार से साफ हो गया कि आने वाली 26 नवंबर को लोनी नगर पालिका की जनता बसपा की चेयरमैन को जिताने के लिए वोट करेगी। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, लोनी, गाजियाबाद।